नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 के बारे में। ठीक है, तो इसमें अभी तक हम लोग 8 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 9वां चैप्टर है। इसमें बात करेंगे हम लोग जन सुविधाएं। क्या देखेंगे? जन सुविधाएं। याद रखिए, बार बार आपसे यही बोलता आया हूं कि इसे कहानी की तरह पढ़ना है हमें किताब को। ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, इतना क्लियर है, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई हैं सभी बुक्स। अम्मू और कुमार चेन्नई में एक बस में सफर कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं। अन्नागार, राम गोपाल, ठीक है, अन्नागार, पद्मा, सैदापेट, मणिपाक्कम, शिवा, मैलापुर, सुब्रमण्यम, चेन्नई के लोग और पानी। श्री राम गोपाल जैसे आला सरकार भी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचे वाला यह इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। तब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम भी हो जाता है। आपने देखा होगा अपने भी क्षेत्र में कि जब कोई अच्छा आदमी रहता है, हैसियत में बड़ा, तो उसके वहाँ पानी की कोई कमी नहीं रहती है। वहीं एक गरीब बस्ती में देख लीजिए, अगर उसके यहाँ काम पानी पानी की कमी भी पड़ जाती है तो फौरन उसे एडजस्ट हो जाता है कहीं ना कहीं से। एक गरीब के यहाँ देखिए, तो उसी तरह से ये बताया जा रहा है। शहर के ज्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगरपालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की जरूरतें निजी बोरवेल से हो जाती हैं, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपये खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवाए हैं। मणिपाक्यम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा। पीने के लिए शिवा पानी से बाजार से पानी की बोतल खरीदता है। पद्मा पद्मा घरेलू नौकरानी है। वह सैदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपये माहवार है, मतलब 600 रुपये महीने देना पड़ता है। उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है ना ही पानी का अन्य स्रोत है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज्यादा से ज्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है। इसी पानी को लोग नहाते हैं, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता है। उन्हें टैंकरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है। बात करते हैं जीवन के अधिकार के रूप में पानी। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है। जिन देशों में दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है।
इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी का पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों पर यह कहा कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकार में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर जिले के किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है, उससे भूमिगत पानी दूषित हो रहा है जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूब नगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के विदित व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। यह एक रिपोर्ट है। जल अधिकार का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र 2002 में कहा। आप लोग सोचिए एक बात कि कहाँ लोग बढ़ पाएंगे आगे, जहाँ जिस देश में पानी की कमी हो, भूख से मर रहा हो, वहाँ गरीब कहाँ उठ पाएगा ऊपर? वो तो आज उसी जिंदगी जी रहा है घुट घुट के, कल भी जिएगा और आने वाले कल में भी जिएगा। हकीकत कुछ और होती है। अगर हम यहाँ बैठे तो हम हकीकत नहीं समझ सकते उनकी, उनके बीच में अगर आप रहते हो तभी हकीकत समझ सकते हो। अब एक बात समझिए, क्या रिकॉर्ड दी गई है यहाँ? 1600 पानी से बीमारियों से हर रोज 1600 से ज्यादा भारतीयों की मौत होती है। इससे ज्यादा कहीं ज्यादा आपके भूख से होती है। क्या होती? भूख से होती। अब बताइए, इसकी तो दवा है ना आपके पास। चलिए, बीमारी कई वायरस हैं आपके जिनकी बीमारी की इलाज नहीं है, उनसे मौत हो रही है, दो चार मौत होती हैं, 2-4 हजार तो दुनिया में छा जाता है, फिर कोसा चर्चा का कारण बन जाता है। अरे भाई, पानी का तो इलाज है कि पानी उपलब्ध हो, सुरक्षित बचाया भी जा सकता है, इसमें कोई कोशिश नहीं करता है। और खाने का है तो खाना, भूख भूख से मरने वालों का इलाज है क्या है? उन्हें खाना टाइम से मिले, पोषित खाना मिले, अच्छा खाना मिले, बस उन जान को बचाया जा सकता है। लेकिन नहीं, अगर कोई वायरस आता है या कोई बीमारी आती है, 200-400 को लेकर चली जाती है, तुरंत तो न्यूज बन जाती है। चलिए, राम जी करेंगे बेड़ा पार अब तो, और उम्मीद की भी नहीं जा सकती किसी से, किससे कर सकते हैं? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप में से अधिकतर लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम निकलना है। आपको ज्ञान नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ अपने मतलब से कि हमारा एग्जाम निकल जाए। अगर आपसे बोल दिया जाए कि एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिविल सर्विस निकाल सकते हैं, तो आप कल छोड़ दोगे अधिकतर लोग आप में से। चलिए छोड़िए, आगे बात करते हैं जन सुविधाएं। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीजें हैं। इन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अपने गांव, अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। किसान अपनी खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो सकती है और किसी ना किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है। सरकार की भूमिका, चूंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है इसलिए उन्हें मुहैया कराने
कि जिम्मेदारी भी किसी ना किसी के ऊपर जरूर आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ जिम्मेदारियों से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएँ मुहैया कराए। आइए इस बात को समझें, यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। कक्षा 7वीं में की पुस्तक में आपने बाजार में एक कमी देखी थी। अध्याय को पढ़कर आप यह समझ चुके होंगे कि ज्यादातर जनसुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है। उदाहरण के लिए, नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है? फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसे कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों की दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए देखा होगा। लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ता और शोधार्थियों के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफी असमानता देखी गई। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत आता है। इस चित्र में एक छोटे बच्चे को पोलियो की खुराक दी जा रही है, देखिए। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहां इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त हो, इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। अम्मू देखो तुम, सैदापेट की सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थी। सड़कों पर बत्ती भी नहीं थी। पता नहीं रात में वहां क्या हालत होगी। कुमार, किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगे? अम्मू, झुग्गी बस्तियां ऐसी क्यों होती हैं? क्या वहां जनसुविधाएं नहीं होती? कुमार, मेरे ख्याल में जनसुविधाएं उन लोगों के लिए होती हैं जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं, वही लोग जो कर चुकाते हैं। अम्मू, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं बल्कि सभी को जनसुविधाएं मुहैया कराएं। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं हैं? उनके भी तो कुछ अधिकार हैं। कुमार गुस्से में, पर ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। अम्मू, चाहे जो हो उसे रास्ता तो निकालना पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सड़क पानी बिजली के बिना झुग्गियों में जिंदगी कैसी होगी? कुमार, अरे हमारे संविधान में, अम्मू क्या बोले, हमारे संविधान में बहुत सारी जनसुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। सरकार को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना ना हो ताकि हर व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से मिलता है? आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों के लिए योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाए। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों
पर खर्च करने का अधिकार सरकार को पूरा अधिकार है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालना, पानी को दूर तक पहुंचाना, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है। ज़्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकते हैं। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में आता होगा कि हम कर नहीं देते हैं। कई लोग गरीब तबके में रहते हैं, वो कर नहीं देते हैं, या उनके दिमाग में आता होगा कि वो कर नहीं देते। तो याद रखिए, कर हर कोई देता है। कोई प्रत्यक्ष कर देता है, कोई अप्रत्यक्ष कर, यानी कि आप लोग आप अपनी इनकम पर कर दे रहे हैं तो वो डायरेक्ट कर हो गया। और जब आप लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई आपने साबुन खरीदा या कोई खाने का मटेरियल खरीदा जो भी, तो उस पर कर भी तो लगता है, वो कर आप भी तो अदा कर रहे हैं। जैसे चॉकलेट ले लीजिए, चलिए चॉकलेट छोड़िए, आटे का पैकेट ले लीजिए 5 किलो का, तो वो अमीर के लिए भी उतने का है और गरीब के लिए भी उतने का है। ऐसा तो नहीं है कि गरीब के लिए वो कर छोड़ दिया जाता है। तो याद रखिए, नेता कोई अपने घर से लगाने वाले नहीं होते हैं। तुम ही से वसूलते हैं और 2-4% आप पर खर्च कर देते हैं, बाकी अपना देख लेते हैं वो। ठीक है, केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है, रुपया कहाँ जाता है? ब्याज अदायगी 50 1 रुपये में से, इस तरह 1 रुपया ले लिया है उसमें से बाकी हिस्सा किस लिए जाते हैं? देख लीजिए, ब्याज अदायगी में 18 पैसे, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 24 पैसे था इसमें, पेंशन 5 पैसे, अन्य व्यय 8 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 8 पैसे, आर्थिक सहायता 9 पैसे, रक्षा 9, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 10%। ये केंद्रीय बजट 2018-19 का आंकड़े है। ठीक है, केंद्रीय सरकार के कर राजस्व रुपया कहाँ से आता है? निगम कर हो गया, आय कर हो गया, कर भिन्न राजस्व हो गया, केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां, माल एवं सेवा और अन्य कर, उधार अन्य देता है। कम दूरी के लिए बसें की ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली जरूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपये खर्च कर किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतनी भारी खर्च की जरूरत ना पड़ती, लोगों की जरूरत भी पूरी हो जाती। आपको क्या लगता है? आपकी राय देश के दूसरे भागों के लिए हल ढूंढा जा सकता है। अब बात करते हैं चेन्नई में पानी की आपूर्ति। क्या सबको पानी मिल रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत कुछ और ही होती है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का अभाव, भारी अभाव। इस अध्याय के अगले हिस्से में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधाएं बहुत मायने रखती हैं। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा कि चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी जरूरत ही पूरी हो पाती। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहाँ पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ देते हैं।
वे बोरवेल खोद कर टैंकरों से पानी खरीद कर या फिर बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेय जल तक पहुंच होती है, या इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के साथ के पास ही ज्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतल बंद पानी, जल शोधक उपकरणों के सारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त तो स्वच्छता पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। देखिए इस तरह अब इनसे कहाँ आगे बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, आप ही सोचिए किस तरह पानी का गुजारा करना पड़ा। ग्रामीण इलाकों में मनुष्य और मवेशियों दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। यहाँ कुओं, हैंडपंप, तालाबों और कभी कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज्यादातर निजी स्वामित्व में है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज्यादा अभाव देखा जाता है। किसानों से पानी छीनना। पानी की कमी से ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के लिए नए रास्ते खोल दिए। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाके से पानी खरीद कर शहरों में बेचती हैं। चेन्नई में मामांदूर, पालूर, करुण गिजी जैसे कस्बों के और शहर के उत्तरी क्षेत्र उत्तर में स्थित पानी से गांव से पानी लाया जाता है। 13,000 से ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसान को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की जमीन से पानी निकाल सकें। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है बल्कि गांव के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गाँव में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह से घिर चुका है। अब बात करते हैं हम लोग विकल्पों की तलाश। सतत विकास लक्ष्य 11, संभवनीय शहर और समुदाय। याद रखिए सतत विकास लक्ष्यों को याद रख लेना है आपको, ठीक है, हम लोगों ने भी पढ़ा है, देख लेना। क्या है कि इनसे हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विकल्पों की तलाश में बात करते हैं। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीने में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। एक कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी जबरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी 1 बाल्टी भी नहीं मिलता है। तो दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वालों लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 यानी कि 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार जरूरत से ज्यादा हिसाब से पानी मुहैया नहीं कर पा रही, बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जब जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम। दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। पोर्टी एलग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति, पोर्टो एलग्रे ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध मुहैया कराया है।
शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पानी की औसत कम कीमत कम रखी गई और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को भी जो फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजनाएं हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है। जल विभाग की प्राथमिकता तय करने में बोर्ड के जरिए फैसला करती है। जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई है। ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। भारत में सरकार जल विभागों की सफलता कई उदाहरण रहे लेकिन ये उदाहरण कम है और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही में एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है, उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों को भी सेवाएं ली जा रही हैं लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाजत देता है, इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। याद रखिए सतत विकास लक्ष्य में क्या है, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। ठीक, मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। यह रेलवे हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। 300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनत कश लोग शहर में नहीं रह सकते। स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विकास। हमारे लिए पखाने शौचालय, उन्होंने हैरानी से कहा, हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटा लेते हैं, लेटरिन तो तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के लिए होती है। अछूतों की शिकायत को याद करते हुए महात्मा गांधी का वक्तव्य, राजकोट स्वच्छता समिति 1896। पीने के साथ पानी के अलावा यह भी जरूरी है पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता पर ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधा घर के भीतर शौचालय 53% परिवारों में ही उपलब्ध है। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज्यादा कमजोर है। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने 8,500 से ज्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयां और 15 लाख से ज्यादा घरेलू शौचालय बनाए जिसमें 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। सुलभ से सरकार के पैसे से शौचालय इकाइयां बनाने के लिए नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए हैं। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रखरखाव की लागत कई बार उपभोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है। शहरों में शौचालय के इस्तेमाल पर 2 रुपये शुल्क दिया जाता है। याद रखिए, मुझे मोदी गवर्नमेंट का सबसे अच्छा काम लगा शौचालय का। 2016
चौदह से पहले हमारा भारत पाकिस्तान से भी स्वच्छता के मामले में पीछे था, ठीक है, याद रखिए। लेकिन अब देखिए 2020 तक आती आती काफी हद तक, अब वही लोग जो नहीं करना चाहते हैं, जो सुविधा नहीं उठाना चाहते, वही इससे वंचित है, वरना लगभग लगभग कवर हो चुका है। तो मुझे ये सबसे अच्छा काम लगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब है लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में है। बिजली की व्यवस्था भी काफी हद तक सफल हुई है। निष्कर्ष, जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह है बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई। आपूर्ति में कमी और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांव में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है। उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। चलिए आपके लिए अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पर पीडीएफ उपलब्ध है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द, स्वच्छता, मानव मलमूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा है स्वच्छता। इसके लिए शौचालयों का निर्माण किया जाता है और गंदे पानी की सफाई के लिए पाइपलाइन लगाई जाती है। संक्रमण से बचाने के लिए ऐसा काम करना जरूरी है। कंपनी, कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है जिसकी स्थापना कुछ लोग या फिर सरकार करती है। जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूह या व्यक्तियों के हाथ में होता है उसे क्या कहते हैं, निजी कंपनी। उदाहरण के लिए टाटा स्टील एक निजी कंपनी है, जबकि आपकी इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित कंपनी है। फिर आपका सार्वभौमिक पहुंच, जब हर व्यक्ति को कोई चीज पूरी तरह हासिल हो जाती है और उसका खर्च उठा सकता है तो इसे सार्वभौमिक पहुंच कहा जाए। उदाहरण के लिए घर में नल पानी का आ रहा है तो परिवार को पानी तक पहुंच मिल जाती है, और अगर उसकी कीमत कम हो तो वह मुफ्त उपलब्ध हो तो हर कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है। मूलभूत सुविधाएं, भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है। याद रखिए, अगर इंसान की मूलभूत सुविधाएं पूरी हो रही हैं तो उसी से आगे बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। अगर आप ही सोचिए, घर में पानी ना हो, खाना ना हो, तो आगे आगे बढ़ने की छोड़िए, आदमी सोच भी नहीं सकता है आगे बढ़ने की। तो चलिए, ये था आपका 9वां अध्याय। 10वें अध्याय में बात करेंगे कानून और सामाजिक न्याय के बारे में।